myself Anil Kumar, belongs to Yamunanagar, state Haryana. January 2016 की बात है कि 28 जनवरी को मेरी मैरिज का फंक्शन चल रहा था तो अचानक ही मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो हम लोकल डॉक्टर तक लेके गए तो वहाँ इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई वहाँ इनको एकदम से अटैक आ गए तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा ट्रीट किया तो इनको एक अटैक हो गया जिससे इनका हार्ट बिल्कुल बंद हो गया तो उन्होंने पंपिंग करके हार्ट को स्टार्ट किया और साथ ही जिस टाइम हार्ट वो स्टार्ट हुआ तो वो 50% हार्ट चल रहा था इनका तो उन्होंने बोला कि इनको या तो दिल्ली लीजिए या पीजीआई या किसी भी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं तो मैंने और मेरी माता जी ने और मेरी सिस्टर ब्रदरला उन्होंने डिसाइड किया कि इनको मैक्स हॉस्पिटल मोहाली ले जाते हैं क्योंकि मैंने मोहाली की बात सुनी थी कि यहाँ पे डॉक्टर दीपक पुरी के बारे में सुना हुआ था क्योंकि मेरे मामा जी का भी ऑपरेशन यहीं से हुआ था तो मैं इनको यहाँ लेके आया तो जिस टाइम इनको यहाँ लेके आया तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी मैक्स पहुँच कर डॉक्टर दीपक पुरी और उनकी टीम्स ने फादर साहब को हैंडल किया तो एक तरफ मेरी मैरिज थी एक तरफ पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी इनका हार्ट 50% चल रहा था और लंग में इनके इन्फेक्शन हो चुका था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इनकी स्टेज थी तो डॉक्टर दीपक पुरी ने हमें कंसर्न किया उन्होंने बताया कि अगर ऑपरेशन के लिए डिसीजन दिया डिसीजन मैंने अपनी माता जी से इसके साथ किया मैंने इसको बोला कि सीधा इनको ना मैक्स में लेके चलो क्योंकि मेरे ब्रदर का मैक्स में मतलब कि हार्ट का ऑपरेशन सर्जरी हो रखी थी तभी मेरे को एकदम मेरे से दिमाग में आया कि इनको ना मतलब कि मैक्स में ही लेके जाना है तो मैंने इस बेटे को वहीं से ही मतलब कि एम्बुलेंस में मतलब इनको भेजा मैक्स में तो यहाँ आकर इन्होंने मतलब कि दीपक पुरी जी से सेट किया तो उन्होंने समझाया सब कुछ बताया बच्चे को तो फिर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो यहाँ पे तो अच्छी मेडिसिन भी उनसे कवर होते गई है और जल्दी ठीक हो गए और 18 को ये मतलब कि अपने 18 दिन रह के ये घर अपने वापस आए उस टाइम 66 साल थे तो मेरे को जब यहाँ लाया गया मुझे कोई होश नहीं था मुझे ट्रीटमेंट दी गई डॉक्टर पुरी की टीम से तो बाद में मेरा ऑपरेशन 4 फरवरी को हुआ उसके बाद मुझे होश आया फिर मेरी प्रोग्रेस होती रही 12 फरवरी को मेरे को डिस्चार्ज किया गया उसके बाद मैं रेगुलर डॉक्टर साहब के पास और सबके पास आता रहा चेकअप कराता रहा दवाइयाँ लेता रहा कुछ टाइम मैं आना बंद हो गया उससे मेरा हार्ट फिर 35% पे आ गया था फिर मैं आया दोबारा चेकअप कराया डॉक्टर साहब ने समझाया कि रेगुलर आना है और दवाइयाँ खानी दवाइयाँ चेंज की इन्होंने दवाइयाँ खाई फिर हार्ट मेरा 45% उसके बाद मैं घर में रह रहा हूँ सैर कर रहा हूँ और मैं दवाई रेगुलर ले रहा हूँ मैं बिल्कुल फिट हूँ अपने छोटे पोती के साथ खेलता हूँ और सही रहता हूँ फिट हूँ मैं बिल्कुल इसी से हम ये चाहते हैं कि जो भी है मतलब कि अनसुनी नहीं बातें ये करनी चाहिए जल्दी से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए और पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने मरीज को बचा सकते हैं